हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा ऐप्स बताऊंगा जो आपके स्मार्टफोन के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आप दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आइए ये ऐप्स के बारे में जानते हैं। और इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस ऐप्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। आपके मोबाइल में जो ब्राउजिंग है उसको ऑन कर लीजिए, फिर उस पर सर्च करिए स्टॉप ऐड। स्टॉप ऐड क्लिक करेंगे तो देखिए स्टॉप ऐड फर्स्ट में खुल जाएंगे, फिर उस पर क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ डाउनलोड दिए हुए हैं ऊपर में राइट साइड, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही डाउनलोड के पॉपअप आ जाएंगे। देखिए ये ऐप्स आपके डाउनलोड हो चुके हैं, फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो होम स्क्रीन पे देखिए ये आ गए हैं, तो यहाँ से अब इसको ओपन करिए। ये ऐप्स ओपन हो गए हैं, तो यहाँ ऊपर में देखिए ये ऑन और ऑफ के लिए दिए हुए हैं स्विच, तो यहाँ से इस ऐप्स को ऑन कर लीजिए। तो ये आपके ऐप्स ऑन हो गए हैं। तो बैक चलते हैं और देखते हैं क्या ऐड्स सच में ही ब्लॉक हो गए हैं। तो हमारे पास जो ऐप्स होंगे हम उसमें देखेंगे, और आपके मोबाइल में कोई भी ऐप्स या ब्राउजिंग या कहीं पर भी आपको ऐड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें खोल के उस चीज़ को चेक कर लीजिए कि उसमें ऐड शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हर एक जगह के ऐड को ब्लॉक कर देगा, चाहे वो ब्राउजिंग के हो चाहे कहीं और के हो। और ब्राउजिंग में अगर ये ऐड ब्लॉक कर रहे हैं तो आपकी ब्राउजिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें और भी फंक्शन है तो उसको भी देखते हैं। देखिए स्टैटिक, तो इसमें कितने ब्लॉक हो रहे हैं ऐड उसमें ये सब दिखाएंगे स्टैटिक्स में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉप ऐड फॉर यूट्यूब, तो यूट्यूब में भी जो एड्स आते हैं यहाँ से आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है इनेबल स्टॉप ऐड फॉर यूट्यूब, तो इसको मैं इनेबल कर दूँ। देखिए यहाँ पे आ गया है, अगर आपको ये ब्लॉक करना है तो ओके गॉट इट। तो फिर यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा हम लोग को, ये ऑन हो गया। हम लोग यहाँ से यूट्यूब एड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। और इसमें और भी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में जाकर देखिए, अपडेट फिल्टर लिस्ट, स्टॉप ऐड ऑटो स्टॉप, अनस्टॉपेबल स्टॉप ऐड, ऑटो अपडेट फिल्टर्स, और भी बहुत सारे इसमें हैं फंक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें अपडेट ओवर वाईफाई फिल्टर, ऑटो अपडेट T8, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही अच्छी ऐप्स है। तो देखिए हम ऐप से खोल के उसको देखते हैं, उसमें ऐड शो कर रहे हैं। हमारे पास पहले से एक डंपस्टर एप्लीकेशन है, हम उसको देखते हैं उसमें ऐड शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं शो कर रहा है, और ये ऐप्स आप देख रहे हैं मैंने इसको प्रीमियम वर्जन भी नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक भी ऐड नहीं शो कर रहा है। रिमूव ऐड के लिए आपको प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ प्रो वर्जन, तब भी ऐड नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि वो स्टॉप ऐड जो है वो यहाँ पे ऐड को स्टॉप कर दे रहा है, एक भी ऐड नहीं शो कर रहा है। जैसे इस ऐप्स में भी कहीं पे भी आपको नहीं दिखाएंगे ऐड। देखिए पूरी साइट चल रही है, इस साइट की स्पीड कितनी अच्छी हो गई ऐड की वजह से। तो देखिए कहीं पे भी ऐड नहीं शो कर रहे हैं, जहाँ पे ऐड आते हैं वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस हो जा रहे हैं सिर्फ। देखिए यहाँ पे आते हैं ये ब्लैंक स्पेस हो गए हैं, और यहाँ पे एक आते हैं यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस हो गए हैं, और ऊपर में यहाँ आते हैं यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस हो गए। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपके स्मार्टफोन में कहीं पे भी ऐड नहीं शो हो रहा है, आपका स्मार्टफोन पूरी तरीके से ऐड फ्री हो गया है। आप कोई सा भी ऐप्स यूज करिए उसमें ऐड नहीं शो करेगा। आपको यहाँ एक ये बेनिफिट है कि आपको कोई भी प्रो वर्जन अपडेट नहीं करना पड़ेगा। प्रो वर्जन ज़्यादातर ऐप्स में ऐड के लिए होता है, तो अब हम लोग को तो इससे ही फायदा हो जाएगा स्टॉप ऐड से, तो हम लोग प्रो वर्जन परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके लिए और भी नए नए इंटरेस्टिंग ऐप्स खोज कर लाऊंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।